दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पे Moto G54 5G और आज इस वीडियो में हम जो है इस फोन का वोटर टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये फोन हमारा वोटर टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो ये रहा हमारे फोन का बॉक्स। सबसे पहले हमने फोन को जिसके बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, हमें बस फोन ही बाहर निकालेंगे। तो इसका कवर भी हम खोल लेते हैं, कवर क्या लगाना है इसका। तो इस कवर मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सो ये रहा हमारा यहाँ पे फ़ोन जो एकदम बढ़िया ओके कंडीशन के अंदर है और एकदम ब्रांड न्यू का ब्रांड न्यू है। मैं आप इसको अनलॉक करूँ तो आप देखते हैं यहाँ टच वगैरह सब कुछ बढ़िया काम कर रही है। और मैं कैमरा को ओपन करके दिखाऊँ आपको तो देखिए बैक कैमरा यहाँ बढ़िया काम कर रहा है और यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी यहाँ बढ़िया काम कर रहा है, मतलब सब कुछ यहाँ बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इसका वोटर टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको साइड में रखता हूँ मैं। और हमें वोटर टेस्ट के लिए चाहिए बाउल, जो ये रहा। सो अब हम टोटल इसका 2 मिनट का वोटर टेस्ट करने वाले हैं और मैं बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ मैं इसका वोटर टेस्ट। तो पहले इसको यहाँ देते डिस्प्ले को अंदर, मतलब फ़ोन को बीच में रख देते इसके, अनलॉक करके देता हूँ ना मैं, ताकि हमें पता भी लगता रहे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ़ोन हमारा अनलॉक हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे इसके में डालता हूँ 2 जग पानी। तो ये रहा हमारा 1 जग पानी। तो 1 जग पानी मैंने इस तरह डाल दिया है। सो मैं टाइमर को भी यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। सो टाइमर स्टार्ट हो जाए यार। हाँ तो टाइमर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और मैं 1 जग पानी अभी और डाल देता हूँ इसके अंदर। और ये डल गया हमारा यहाँ पे 1 जग पानी और। तो मैंने आपके सामने इसके अंदर 2 जग पानी डाल दिए हैं इस टाइम और मैं टोटल 2 मिनट का वोटर टेस्ट करने वाला हूँ। हाँ मुझे पता है कि ये फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, मैं उसके बाद भी इसका वोटर टेस्ट कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। और हाँ मैं इसमें कोई भी कट नहीं देने वाला, पूरा का पूरा 2 मिनट तक शो करूँगा कि जो है फ़ोन पानी के अंदर ही था। जब तक 2 मिनट खत्म नहीं होते तब तक मैं बिल्कुल भी कट नहीं लगाने वाला वीडियो के अंदर। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं इसका वोटर टेस्ट एक्चुअली में कर क्यों रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब हम फोन को यूज़ कर रहे होते हैं तो कहीं मैं बारिश हो जाती है उस टाइम हमारा फ़ोन भीग जाता है, या फिर कहीं पानी में गिर जाता है हमारा फ़ोन, या फिर पानी से भरी हुई बाल्टी में गिर जाता है, या फिर कहीं नदी में गिर जाता है फ़ोन। तो लगभग हम 1 मिनट या मैक्स टू मैक्स 2 मिनट के अंदर हम अपने फ़ोन को जैसे बाहर निकाल लेते हैं, बस ये चेक करने के लिए क्या उस कंडीशन के अंदर हमारे फ़ोन को कुछ होगा, कुछ डैमेज तो नहीं होगा, क्या उस टाइम सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बस वो चेक करने के लिए मैं इस टाइम इसका वो टेस्ट कर रहा हूं। पर ये कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी इशू, मतलब कोई भी वो नहीं है कि ये फोन वाटरप्रूफ है, क्योंकि ये फोन बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। ये वाटर से डैमेज हो सकता है अगर आप इस फोन को जो है पानी के अंदर डालोगे, आप पानी के अंदर इसको यूज करोगे। तो फिलहाल तो हमारे यहां पर 1 मिनट और 10 सेकंड हो चुके हैं, बस थोड़ी देर और मैं 2 मिनट के बाद जो है फोन को बाहर निकाल लूंगा, फिर सब कुछ चेक करेंगे कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिलहाल तो यहाँ पे जो हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ टच तो पानी के अंदर काम नहीं करती है ना, हाँ इसकी भी नहीं करी है, तो टच पानी के अंदर काम नहीं करती है, लेकिन फ़ोन हमारा अभी भी ऑन ही है। तो अभी यहाँ पे जो है 1 मिनट और, मतलब लगभग 1.5 मिनट यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, बस 30 सेकेंड और उसके बाद जो हमारे फ़ोन को जो पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है 1 मिनट और यहाँ पे 40 सेकेंड हो चुके हैं, बस 20 सेकेंड और फिर हमारा वोटर टेस्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और बस 15 सेकंड और। तो अभी मैं उल्टी गिनती यहाँ पे शुरू कर देता हूँ, जैसे ही यहाँ पे 50 हो जाए फिर शुरू कर दूँगा मैं। तो 10, 9, 8, 7, अरे मतलब मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा, कोई आपको देख ही लो ऐसे 56 हो चुके हैं, 57, 58 और 59 और ये 60। तो हमारे यहाँ पे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अभी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे टाइमर को स्टॉप कर देता हूँ। तो ये हमारा टाइमर स्टॉप हो चुका है, अब फ़ोन को निकालते हैं बाहर और इसको मैं अच्छे से झाड़ लेता हूँ पहले तो, और अच्छे झाड़ने के बाद मैं इसको अच्छे से साफ भी कर लेता हूँ, फिर सब कुछ चेक करेंगे सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी टच वगैरह तो काम कर रही होगी ना, हाँ टच तो अभी काम कर रही है, पर पहले मैं अच्छे से साफ कर लूँ ना इसको, फिर दिखाता हूँ आपको कि सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी मैंने फ़ोन के यहाँ पर अच्छे से साफ कर लिया, सारा पानी मैंने इसका निकाल ही दिया लगभग। तो अब चेक करते हैं कि हमारे सारे के सारे जिसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबसे पहले हम फ़ोन को यहाँ पर अनलॉक करते हैं और सबसे पहले तो इसकी फ्लैश को देखते हैं कि फ्लैश यहाँ बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैंने फ्लैश को यहाँ पर ऑन किया तो हमारी बैक की फ्लैश तो यहाँ बढ़िया काम करी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। यहाँ मैंने बंद करा तो हमारी फ्लैश यहाँ बंद भी हो चुकी है। बाकी टच तो आपने देख लिया है कि टच तो देखिए यहाँ बढ़िया काम कर रही है, मैं फिर आते दिखा देता हूँ, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, टच में तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे कैमरा ओपन करता हूँ, कैमरा बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए बैक कैमरा तो यहाँ बढ़िया काम कर रहा है, और अगर हम दूसरा क्या कहते हैं ये वाला, मतलब वाइड एंगल वाला कैमरा, तो वाइड एंगल कैमरा भी यहाँ बढ़िया काम कर रहा है। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन करो तो फ्रंट कैमरा भी हमारा बढ़िया काम कर रहा है। तो हमारे फ्रंट कैमरा तो सब कुछ यहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब इंटरनल कंपोनेंट्स लगभग सही काम कर रहे हैं। तो आप देखते हैं हमारे वॉल्यूम रॉकर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं वॉल्यूम अप दबाता हूँ, सबसे वॉल्यूम डाउन दबाता हूँ, तो कम करता हूँ पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैंने कम करी तो वॉल्यूम कम नहीं हो रही यार, क्यों नहीं हो रही,
तो हाँ होगी, सॉरी कम ही थी पहले से ना, इसलिए तो वॉल्यूम कम हो रही है और वॉल्यूम बढ़ भी रही है। तो वॉल्यूम कम भी हो रही है, वॉल्यूम बढ़ भी रही है, तो मतलब वॉल्यूम वाले बटन हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं, इनमें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पावर बटन तो यहाँ बढ़िया काम कर रहा है ना, पावर बटन भी हमारे यहाँ काम कर रहा है, मैं बटन दबा रहा हूँ तो वॉल्यूम डिस्प्ले बंद हो रही है, और वहीं दबा रहा हूँ तो डिस्प्ले ऑन भी हो रही है। तो आप देखते हैं कि हमारा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं इसके यहाँ पे लॉक करता हूँ, मैंने अंगूठे का फिंगरप्रिंट सेंसर लगा रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करके पहले इसको साफ कर लेता हूँ, पानी लगा हुआ हल्का सा इसके ऊपर, तो मैं साफ़ कर लिया। तो अब इसको लगा के देखते हैं, तो फ़ोन हमारा अनलॉक हो चुका है, दोबारा से बंद कर देता हूँ और लगाता हूँ इसको, तो अनलॉक हो चुका है। तो मतलब कि हमारा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है अभी वो भी यहाँ पे एकदम बढ़िया काम कर रहा है, उसमें भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अभी बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ बढ़िया काम कर रही हैं, तो अब चेक करते हैं कि इसका माइक और इसका स्पीकर क्या सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है कैमरे को यहाँ पे ओपन करेंगे, अब जाएंगे वीडियो सेक्शन के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इसके माइक के थ्रू यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा इसका माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो जो रिकॉर्ड हुआ है वो सब कुछ जो है हम स्पीकर के मदद से सुनेंगे और फिर चेक करेंगे, उससे पता लग जाएगा कि स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे जो लगभग 15 सेकंड की जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो आप जो है गैलरी में जाते हैं यहाँ पे और इसको प्ले करता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर देखते चेक चल रहा है कि नहीं कर रहा। बोल रहा हूँ वो इसके माइक के थ्रू यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा इसका माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो जो रिकॉर्ड हुआ है वो सब कुछ जो है हम स्पीकर की मदद से सुनेंगे और फिर चेक करेंगे, उससे पता लग जाएगा कि स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे जो लगभग 15 सेकंड की जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो भी हमने रिकॉर्ड करा वो सब कुछ माइक के थ्रू रिकॉर्ड भी हो गया, और साथ साथ हमने जो स्पीकर के थ्रू उसको सुन भी लिया। तो मतलब इसका माइक और स्पीकर दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आई अभी तक इसमें। तो सब कुछ हमने चेक कर लिया है, बस अब एक चीज़ बची है, वो इसका चार्जिंग पोर्ट। तो आप देखते हैं चार्जिंग पोर्ट से काम कर रहा है कि नहीं करता, तो इसको चार्ज करके देखते हैं। उसको चार्ज करने के लिए हमें जो बॉक्स के अंदर ही हमें जो है इसके अडाप्टर्स और डाटा केबल मिल जाती है, तो मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ इस टाइम। तो अभी मैंने इसके अडाप्टर को जो है पावर सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है और पावर सॉकेट को ऑन भी कर दिया है। तो अब चेक करते हैं कि हमारे जो इस अडाप्टर से हमारे फ़ोन में चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे हमें पता लग जाएगा इसका टाइप सी पोर्ट में इसका चार्जिंग पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं डिस्प्ले यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, अब इसको चार्ज लगाता हूँ यहाँ पर, और मैंने लगा दिया और यहाँ पे चार्जिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप देखते हैं यहाँ पे चार्जिंग लिखा आ रहा है, तो मतलब कि हमारी चार्जिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब कि जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो भी बड़ी बिल्कुल सही है, अभी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही काम कर रहा है वो भी। तो मतलब कि यार इस फ़ोन ने हमारा अभी जो यहाँ पे वोरो टेस्ट जो है सर्वाइव कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में इसमें कोई भी दिक्कत आई, मतलब जब मैं इसका नेक्स्ट टेस्ट करूँगा उससे पहले पहले इसमें कोई भी दिक्कत आई, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि इसमें ये दिक्कत आई है। लेकिन फिलहाल तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक, तो ये एकदम ओके है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फ़ोन का जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों फिर बस आज वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।